स्टूडेंट्स इन दिस लेक्चर वी शेल लर्न अबाउट द इकोमिक्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लेटर सी एज यू कैन सी वी आर टेकिंगयर एंड देर इज रेट ऑफ चेंज ऑफ प्राइस जिसमें हमने डेरेविटिव लेकर रेट ऑफ चेंज ऑफ प्राइस को कैलकुलेट किया जैसे डरेविटिव हमेशा से हमारी हेल्प करता है और इसमें जो एक्स है एक्स वेरिएबल दैट शोज द डिमांड सो आपने देखा ये इनवर्स डिमांड फंक्शन का रिलेशनशिप है जिसको यूज करके हमने डरेविटिव एस्ट कैलकुलेट करके रेट ऑफ चेंज ऑफ प्राइस कैलकुलेट किया ना इसके अलावा हमें गिवन इंफॉर्मेशन ये भी है कि इफ क्वांटिटी डिमांडेड इज फोर देन द प्राइस इज दिस दैट इज थर्टी यूनिट्स थर्टी करेंसी यूनिट्स विच इज़ पी के आर इन दिस केस ना हमने इनवर्स डिमांड फंक्शन को कैलकुलेट करना है फॉर दैट यू नो कि हम मार्शल फंक्शन को टोटल फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं सिंपली बाई यूजिंग दी इंटीग्रेशन सो दैट इज़ वाई आप देखेंगे कि जैसे हम इसे सॉल्व करेंगे उसके अंदर हम इंटीग्रेशन यूज़ करेंगे इस क्वेश्चन uh, में देर आर टू एडिशनल स्मॉल पार्ट्स जो कि हम आगे चल के देख सकते हैं हाउ एवर हीयर दिस फंक्शन वॉज गिवन जो कि मार्जिनल इनवर्स डिमांड फंक्शन है और इसकी हमने इंटीग्रेशन निकाली बिकॉज हमें पता है कि टोटल फंक्शन इंटीग्रेशन के, के जरिए ही कैलकुलेट किया जा सकता है आपने देखा कि लेफ़्ट हैंड साइड पे वही कैंसलेशन डिफ्रेंसीेशन की और इंटीग्रेशन की राइट हैंड साइड पे हा ओवर अभी हमने प्रोसेस को स्टार्ट नहीं किया बट वी कैन सी हेयर इज दैट कि यहाँ पर डरेवेटिव ओवर फंक्शन रूल भी अप्लाई नहीं हो सकता बिकॉज इसका डरेवेटिव जो आएगा इट विल नॉट बी हैविंग द सेम डिग्री एज ऑफ द न्यूमिरेटर ओके इसकी होल पावर बनेगी हमारे पास वन ओवर टू और इसके अंदर जो पावर होगी वो होगी ये सो so जब हम इसका डरेवेटिव लेंगे इट्स नॉट लाइकली टू बिकम एक्स रेज टू दार्ट वन इसीलिए इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन का सहारा लेना जरूरी है और उसके अंदर आपको पता है कि जो हायर पावर वाला एक्सप्रेशन होता है या फंक्शन होता है उसे हम यू के बराबर एज्यूम करते हैं और फिर उसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं ताकि हम उसको भी तलाश कर सकें इन द गिवन फंक्शन इसलिए आप देख रहे हैं कि यू एज्यूम किया हमने और यू के बाद उसका डेरिवेटिव कैलकुलेट किया और और उसके बाद हमने x dx की वैल्यू निकाली बिकॉज वी एक्सपेक्ट के यहाँ पर हमें ये वैल्यू सब्सट्यूट करने के लिए मिलेगी ये चीज़ हमें क्लियर होगी जब हम इसको सब्सटिट्यूट करेंगे सो आपने देखा कि हमने उस एक्सप्रेशन को रिवाइव किया जो हम पहले डिसकन्टिन्यू uh, करके आए थे और ये है जिसे हमने u के बराबर रिज्यूम किया आप देख रहे हैं मैंने u लगा दिया और ये वाला एक्सप्रेशन x जो है मैंने यहाँ पर यहाँ से हटाकर इधर लिख दिया ताकि एक्स डी एक्स आ जाए और ये एक्स डी एक्स इसके बराबर है अभी हमने कैलकुलेट किया ना ये आप देख रहे हैं कि ये इन टर्म्स ऑफ यू एक्सप्रेशन बन गया है इसे सॉल्व कर सकते हैं हम यहां पर पावर रूल के तहत आप देख रहे हैं पावर रूल इज समथिंग जो हमने ऑलरेडी समझ लिया हुआ है और इट इज़ वेरी इजी टू अप्लाई इट इन दिस केस लेकिन यहां पर एक्स के बजाय यू की टर्म्स में हम एक्सप्रेशन को सॉल्व करें ना फर्दर सोल्यूशन इज दिस ये अगेन डी आई वाई आपकी बेसिक मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स की जो नॉलेज है उसे यूज करके आप इसे ईजीली कर सकते हैं फाइनल आंसर जो होगा वो ये होगा लेकिन इससे पहले आप ये स्टेप जरूर देखें बिकॉज इसके अंदर आंसर यू की फॉर्म में है लेकिन चूंकि हमने एक्स के फॉर्म में स्टार्ट किया था अपने क्वेश्चन को इसलिए उसे हम वापस भी लाएंगे आंसर एक्स की टर्म्स में तो दिस इज द फाइनल आंसर दैट वी विल गेट आफ्टर यूजिंग इंटीग्रेशन ये हमने इसका जनरल सोल्यूशन इसको कह, कहा बिकॉज इट इज हैविंग सी जो कि अभी डेफिनेट नहीं है और अनडिटरमाइंड है इसके अलावा एक और सिचुएशन जो हमें क्वेश्चन के शुरू में गिवन थी वो आप वीडियो को रिवर्स करके देख सकते हैं उसमें ये था कि अगर प्राइस एक्स थर्टी हो इज थर्टी तो एक्स की वैल्यू ये होगी अब ये जो नॉलेज है ये यूज करके हम यहाँ पर सब्सटीट्यूट करेंगे आप देख रहे हैं कि एक्स की जगह हमने फोर लगाया है ये देख रहे हैं आप और Uh, बाकी जो हमारे पास P जब x4 होगा वो 30 होगा अभी हमें ऊपर बताया गया सो so, हमने P4 जो है 30 लिखा मैंने इसे बॉक्स में एडजस्टेंट कर दिया और अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास C की जो वैल्यू है डिटरमाइन हो जाएगी और हम जनरल से डेफिनेट सोल्यूशन की तरफ आएंगे ये चीज़ हम पहले भी कर चुके हैं यहाँ पर भी हम उसको कर रहे हैं बट वेरिएबल्स डिफरेंट हैं अगेन ये ब्रीफ प्रोसेस uh, जो कि आप इजीली इजबरा Uh, कर सकते हैं यहां पर सी की वैल्यू हमारे पास सी सेवन जीरो फाइव आ गई जो हमने वापस सब्सटीट्यूट की जहां पर सी का सिंबल एग्जिस्ट करता था और फाइनली वी गॉट द आंसर इन इन डेफिनेट फॉर्म जिसे हम कह सकते हैं कि ये डेफिनेट सोल्यूशन है अब इसका अगर आप ग्राफ बनाएंगे तो इट विल लुक लाइक दिस नेगेटिव इनवर्स रिलेशनशिप है और डिमांड फंक्शन इसी तरह एग्जिस्ट करता है ये यहां पर भी डिपेक्ट हो रहा है जो फर्दर पार्ट्स थे उसके अंदर ये था कि हमें यह कहा गया था कि हम यूनिट्स की तादाद फाइंड आउट करें कि जो डिमांड हो रही है इफ़ द प्राइस इज ट्वेंटी तो दैट इज़ वेरी इजी बिकॉज हमारे पास अब इनवर्स डिमांड फंक्शन है अगर एक वैल्यू एक वेरिएबल की वैल्यू गिवन हो तो हम दूसरे की वैल्यू ईजीली निकाल सकते हैं तो यहाँ पर पी हमने हमें बताया गया इट्स ट्वेंटी सो इफ यू पुट दिस वैल्यू इन प्लेस ऑफ पी आई कैन गेट द वैल्यू ऑफ एक्स यहाँ पर अगेन आपके लिए रिहर्सल बेसिक मैथमेटिक्स और एक्स की वैल्यू जो कि डिमांड है वो आगे हमारे पास 4.9 a yeah, hundreds may have per given data that is why we are calling it in hundreds now this is the process of applying uh, integration by substitution rule uh, in any economic environment that is the demand function thank you